यार दोस्तों की महफिलों में बैठा, कहते हैं दम लगा के देखो। अच्छा। हमें दम लगा के देखा मैंने, जड़ा दम लगा वो यकदम हो गया। मुझे नशा लगा हुआ है, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। नशा कौन सा नशा करते हैं? ये पाउडर का, जो ना पीऊँ तो जिस्म दर्द करता है। तो नशे को पूरा करने के लिए फिर क्या करते हैं? वो फिर मजबूरी के लिए काम करता हूँ, फिर करके तो फिर करता हूँ अपना नशा पानी। मदद तुसी यही कर सकते हो, कोई हस्पताल वालों या डॉक्टर नाल मशवरा करो। गरीब लोग है, जतीम है, माँ बाप फौत हो गया। अगर तुसी नशा ना किया होता फिर थोड़ी की हालत? हाँ, तो जिस्म दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। मुझे नशा लगा हुआ है, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। आप नशा कौन सा नशा करते हैं? ये पाउडर का। नशा क्यों, नशे की आदत पड़ी थी? बस जब ना पीऊँ तो जिस्म दर्द करता है। तो उस नशे को पूरा करने के लिए फिर क्या करते हैं आप? वो फिर मजबूरी के लिए काम करता हूँ, फिर करके तो फिर करता हूँ अपना नशा पानी। ये बताएं, शादी हुई है आपकी? हाँ जी, पांच बच्चे हैं। पांच बच्चे हैं, तो बच्चों का कभी एहसास होता है कि आप? सोचता हूँ जब करता हूँ ना, जब नशा कर लेता हूँ फिर सोच आती है। जब नशा नहीं ना लगता तो फिर बहुत। नशा किया हुआ या बगैर नशे के खड़े? नशा किया है सुबह का। वाटर कौन सा, वो जो क्या आइस होती है वो पीते हैं? हाँ, आइस। अच्छा मुझे ये बताएं, कितना अर्सा हो गया नशा करते हुए? हो गया है कोई 2 साल हो ही गया, 2-3 साल। क्या वजह बनी थी जो आप नशे पे लग गए थे, या दोस्तों की बुरी सोबत? बस दोस्तों में जैसी महफिल में बैठना वैसा ही वो बनना। अच्छा। तो महफिल का कितना असर होता है? महफिल का बुरा नतीजा ही होता है। अच्छी महफिल में बहेंगे अच्छा नतीजा मिलेगा, बुरी में बहेंगे तो बुरा होगा। तो बच्चे आपके कितने कितने, छोटे छोटे हैं या? हाँ छोटे छोटे हैं, 2 को एडेड हैं। अच्छा। ते 2 बड़े हैं। स्कूले जाते ना? हाँ, 2 बेटियां जाती हैं कराने पर। तुसी नशा छड़ना चाहते हो या? छड़ना चाहते हैं। साडे कोलो की मदद चाहते हो, असीं तुहाडी की मदद? मदद तुसी यही कर सकते हो, कोई हस्पताल वालों या डॉक्टर नाल मशवरा करो। गरीब लोग है, जतीम है, माँ बाप फौत हो गया। भाई ए मैनू गल दसो कि तुसी जड़ा नशा करते हो उसकी कितनी मकदार लेंदे हो? एक ही मकदार होंदी है ना, जड़ा तुसी आइस दा नशा करते हो कितनी मकदार लेंदे हो? ओ दे 24 घंटे होती है। मकदार कितनी होंदी है, मतलब कितनी मकदार च लेंदे हो? ए सुबह दा लाया हुण 200 दा 300 दा लेते हो। ते तुहानू नशा कौन देंदा, मतलब कौन प्रोवाइड करदा? जिद्दे को मर्जी पैसे दे के ले लेते हैं, थोड़ी दुनिया देती है। एक होवे तो ता है ना पैसे। अगर हुण ते तुसी नशा कीते हो, सही गल्लां कर रहे हो, अगर तुसी नशा ना कीता होंदा फिर तुहाडी की हालत होनी सी? हाँ, तो जिस्म दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। बेटी भी है? हाँ जी, 2 बेटियां माशाल्लाह, 3 बेटे हैं। अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे। जो बच्चे नशा करते हैं, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यो ही है भी ये हल किया जाए आप माड़ियों के लिए। नहीं नहीं, ऐ नहीं पूछन दी, जे नौजवान बच्चों अपने लागे नशा करते वेंदे, उन्होंने कोई आख्या नहीं ना करो मेरी जिंदगी तबाह होगी? आख्या नहीं नहीं, उन्होंने तो समझाई दा, एडे एडे बच्चे जो तो खलोगे वेखते नहीं ना, उन्होंने आखी दा बेटा घंटा चल जाओ, बुरी बात है। जे अच्छी बात नहीं है, साढ़े को पूछ के भी देखो जे साढ़े से क्या बीती है, साढ़े से क्या गुजरती है। ते ब्याह तुसी पसंद है कीता सी या लव मैरिज होया? लव मैरिज दी वजह तो तुसी पै गए जो नशे च? नहीं जी। अच्छा। वैसे ही बस यार दोस्तों की महफिलों में बैठा, कहते हैं दम लगा के देखो। अच्छा। हमें दम लगा के देखा मैंने। तुहानू जड़ा दम लगा हो यकदम हो गया? हो यकदम हो गया, ऐसे ही हुआ है। ते बेगम हुण तुहाडी किंज तुहाडे नाल सरवाइव कर? वो बस काम कारोबार करते हैं, पट्ठों के ईटा निकालते हैं। पहले मैं ईटा पकाता था पट्ठों में, उधर मिस्त्री पूना करता था, ईट पकाता था पट्ठे में। वो फिर काम नहीं होता, वो काम था जोर का, एक खून चूसता है नशा तो ख़त्म करता है। ए मेरी उम्र तो नहीं ना है अभी, चिटे बाल आने की 20-25 साल उम्र है अभी। 20-25 साल इतने छोटे जे? 30 साल। 30 साल भाई। शादी में कितने साल हो गए? 30 साल, 35 साल उम्र है ये। अच्छा, 15 साल हो गए ब्याह नु? इतने साल में। बहुत शुक्रिया नाजरीन इकराम। यहाँ मैं मंडी में आई थी छोटे बच्चों से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक नशे के आदी आदमी से मेरी बात हुई, तो मुलाकात हुई। उसने कहा कि जो हमारे इर्द गिर्द बच्चे नशा कर रहे होते हैं, हम उनको मना करते हैं कि हमारा हाल देख लें,
जिंदगी तबाह हो जाती है। आज ये अपने किए पे पछता रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुझे किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में अगर जगह मिल जाए, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। अपने नशे के लिए देखें कि रात के 9 बज रहे हैं और ये बंदा यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहा है और इसने बाद में जाके नशा लेना है। कहता है जब मैं नशा कर लेता हूँ तो फिर मुझे एहसास होता है कि मैंने गलत किया, ज़िंदगी ने मुझे धोखा दे दिया। और दोस्तों की, बुरे दोस्तों की सोबत से बचना चाहिए, क्योंकि जैसी कंपनी होगी वैसा आप पर असर होगा। मुझे दी इजाज़त अल्लाह ने के बाद।